नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनने जा रहे हैं एक और नई कहानी जिसका नाम है गुरैया और बंदर। वन में घने वृक्ष की शाखा में घोंसला बनाकर गुरैया का जोड़ा रहा करता था। वर्षों से वहां सुख का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठंड का मौसम था। गुरैया का जोड़ा अपने घोंसले में बैठा आराम कर रहा था, तभी अचानक ठंडी हवा के साथ बारिश प्रारंभ हो गई। ऐसे में कहीं से एक बंदर आया और उस पर डाल पर बैठ गया जहाँ गौरैया के जोड़ों का घोंसला था। बंदर ठंड से ठिठुर रहा था। ठिठुरन के कारण उसके दांत किटकिटा रहे थे। बंदर के दांतों की किटकिटाहट सुन गौरैया ने अपने घोंसले से बाहर जाकर देखा। बंदर को बारिश में भीगता देखकर वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाई और पूछ बैठी, कौन हो तुम? इतनी बारिश में यहाँ इस डाल पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं? गौरैया की बात सुन बंदर चिढ़ गया, किंतु उस समय वह किसी की बात का उत्तर नहीं देना चाहता था। वह चुप रहा। बंदर को चुप देख गौरैया का हौसला बढ़ गया और वह अपनी सलाह देने लगी। लगता है तुम्हारा कोई घर नहीं, तभी इस बरसात में भीग रहे हो। तुम्हारा चेहरा तो मानव जैसा है, शरीर से भी हष्ट पुष्ट लगते हो। ऐसे में अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते? अपना घर ना बनाना मूर्खता है। उसका फल देखो, तुम बारिश में बैठे ठिठुर रहे हो और हमें देखो, हम सुख से अपने घोंसले में बैठे हैं। ये सुनना था कि बंदर क्रोध में लाल पीला हो गया। उसने गौरैया के घोंसले को तोड़ दिया। मूर्ख को परामर्श देने का फल गौरैया को मिल गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है बच्चों कि परामर्श उसे दो जिसे वास्तव में उसकी आवश्यकता हो, वह उसका मूल्य समझेगा। मूर्ख को परामर्श देने पर हो सकता है उसके दुष्परिणाम भोगने पड़े। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी बच्चों। मैं अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ऐसे ही और कहानियां सुनते रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।